मक्खी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अनुज, हम तो दूसरे किसी शहर में जाने वाले थे, फिर हाईवे का रास्ता छोड़ के इसी जंगल के रास्ते में क्यों जा रहे हैं हम? मोना, हाईवे में हर जगह कैमरा लगा हुआ है, सुबह तक तुम्हारे मम्मी पापा हमें ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए इस जंगल के रास्ते ही चले जाएंगे। पर अनुज, यहाँ पे इतना अंधेरा है और तुम्हें तो पता है ना, मेरा हार्ट कमजोर है, मुझे अभी से डर लगने लगा है। तुम्हारा अनुज तुम्हारे साथ है ना मोना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत, आंखें बंद करो और सो जाओ। अरे, ये अनुज कहाँ गया? उसकी गाड़ी की चाबी भी नहीं है, कहीं वो मोना को लेकर। सुनील, दीदी घर पे नहीं है, क्या अनुज वहाँ पे है? नहीं माया, मैं तुम्हें अभी कॉल करने वाला था, पता नहीं मेरी आंख लग गई और वो कहाँ चला गया। इसका मतलब वो दोनों भाग गए? ये आवाजें कैसी? अनुज, अनुज कहाँ चला गया ये? अनुज, अनुज। मोना को अकेले बहुत डर लगने लगा और अब वो गाड़ी से उतर के अनुज को ढूंढने को सोची, पर गाड़ी के सारे डोर्स बंद थे। डोर लॉक करके अनुज कहाँ चला गया? उसे अच्छी तरह से पता है कि मैं सफोकेशन में नहीं रह सकती, फिर भी मुझे अकेले छोड़ के चला गया। और ये डरावनी आवाजें कैसी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोना अपना मोबाइल निकालकर अनुज को बार बार कॉल लगाती रही, पर अनुज उसके कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। माया, तुमने मोना को कॉल किया? बहुत बार कर चुकी हूँ, पर मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दी है वो। अब क्या करे, कहाँ ढूंढे उसे? दीदी का कॉल। हेलो दीदी, तुम कहाँ हो? माया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अनुज के साथ आई थी, पर वो मुझे एक घने जंगल में गाड़ी में बंद करके पता नहीं कहाँ चला गया है। दीदी, हिम्मत रखो प्लीज, मुझे अपना लोकेशन शेयर करो, मैं अभी आती हूँ, तुम डरना मत दीदी प्लीज। मोना माया के साथ अपना लोकेशन तो शेयर कर दी, पर हार्ट कमजोर होने की वजह से वो ज्यादा देर तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा, अनुज, अनुज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किए अनुज? माया, मोना को कॉल करते रहना। बहुत बार लगा चुकी हूँ, पर फोन नॉट रीचेबल बता रहा है, मैं क्या करूँ? लगता है मेरा काम हो गया। अनुज मोना को गाड़ी से धक्का मार के नीचे गिरा दिया और उसके सारे पैसे और गहने लेकर वहां से तुरंत भाग गया। ये हार्ट पेशेंट वाली लड़कियों को मारना कितना आसान है, मोना का काम तो तमाम हो गया, साथ में 12 लाख रुपए और ढेर सारे गहने। वाह अनुज वाह, तेरी तो लॉटरी लग गई, अब तो ऐश है ऐश।
कुछ ही देर में मोना को ढूंढते हुए माया और सुनील वहां पे पहुंचे। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, पर यहाँ पे अनुज की गाड़ी तो नहीं है। दीदी 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 होश में आओ। सुनील, दीदी को क्या हो गया? देखो ना। मुझे लगता है मोना को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। चलो माया, जल्दी करो। हे भगवान, अनुज इतना बड़ा हैवान है। छी, माया, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? गए थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। देखो, एक तो तुम्हारी बहन एडल्ट, ऊपर से अनुज के साथ वो खुद अपनी मर्जी से गई थी, और अभी वो कोमा में है। अनुज के खिलाफ गवाही भी नहीं दे सकती। फिर हम उसे किस ग्राउंड पे अरेस्ट करेंगे? पहले मोना कोमा से बाहर आ जाए, फिर हम देखते हैं क्या किया जा सकता है इस केस में। पर सर, आप सब कुछ जान के भी ऐसे? ऐसे कई सारे केसेस आते हैं। पहले अपनी बहन को होश में लाओ, फिर देखते हैं। जाओ। हर तरफ से निराश होकर मैं खुद अनुज से बदला लेने उसके बारे में सारा खबर लेती रही और फाइनली उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने कामयाब हो गई। माया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनुज को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता फिरेगा। मेरे पास एक अच्छा प्लान है, सुनो। माया, क्या बात है, आज तुम इतना दुखी क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं दुखी हूँ। पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? अनुज, हमारे रिलेशनशिप को कई महीने हो चुके हैं, पर हम दोनों अभी तक एक अच्छी जगह पे घूमने भी नहीं गए। ओ, तो ये बात। चलो, आज की शाम मेरे माया के नाम। बोलो, कहाँ चलना है? मुझे एक बहुत अच्छा रिजोर्ट पता है, जंगल के एकदम बीचों बीच। बस तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सच माया, तुम सच बोल रही हो? हाँ अनुज, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे बीच जो दूरियां हैं उसे हमेशा के लिए मिटा देंगे। आज रात को ही अनुज और माया एक हो जाएंगे। शाम के 7 बजे अनुज और माया उस रिजोर्ट के लिए घर से निकल गए। माया रास्ता बताती रही और अनुज ड्राइव कर रहा था। माया, हमें ये जंगल के रास्ते जाना होगा। हाँ डार्लिंग, क्योंकि वो रिजोर्ट तो इसी जंगल में ही है। इसके अंदर ऐसा कौन सा रिजोर्ट है? मैंने तो कभी नहीं सुना। बिल्कुल नहीं सुने होंगे, अभी कुछ ही महीने पहले तो बना है। तुम चलो ना, मुझे रास्ता पता है। काफी देर जाने के बाद दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। माया, मुझे ये रास्ता सेफ नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। तुम इतने बड़े डरपोक हो, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे प्यार में कभी नहीं पड़ती। पर मुझे इस जंगल के रास्ते से जाने से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है मुझे। अच्छा तो ये लो, पानी पियो और रिलैक्स होकर गाड़ी चलाओ। ओके। अनुज माया के दिए हुए बॉटल से 2 घूंट पानी पीते ही उसे अचानक से नींद आने लगी और वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करने के बदले वहीं पर सो गया। माया, माया कहाँ चली गई? माया को गाड़ी में ना पाकर अनुज डोर खोल के बाहर निकलने की कोशिश किया, पर गाड़ी के डोर्स लॉक्ड थे। मेरा मोबाइल कहाँ गया? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों इतना भारी भारी लग रहा है? माया, अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे मैंने मोना को मार डाला था।
और मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे। कौन लाया है मुझे यहाँ पे? और माया मुझे पानी पिलाते ही मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, ये सब कुछ सेम टू सेम कैसे हो रहा है। मैंने मोना को जैसे प्लान करके मारा था, आज सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो फिर माया, आखिर कौन है ये माया? माया, माया, प्लीज डोर खोलो, मैं मर जाऊंगा इसके अंदर। माया, हे भगवान, मैंने मोना के साथ ऐसा नहीं किया होता तो शायद मेरे साथ भी आज ये सब ना हो रहा होता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया अपने लाइफ में। पूरे 3 घंटे तक अनुज उस कार के अंदर बंद होकर बस रोए जा रहा था, और मोना के साथ जो कुकर्म किया था वो भी एक एक करके याद आ रहा था उसे। पर उसे क्या पता कि उसकी कही हुई सारी बातें वहां पे लगे हुए डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा था। मेरा दम घुटने लगा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, शायद मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। माया, प्लीज। इंस्पेक्टर सर, आपको सबूत चाहिए था? ये रहा पेन ड्राइव जिसमें इसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और ये रहा गुनहगार। ठीक है, अब तो इसे सजा होकर ही रहेगी। माया, आखिर तुम हो कौन और मोना को कैसे जानती हो? ये बात जेल में पड़े पड़े सोचते रहना। सुनील, माया, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम दोनों के वजह से। दीदी, तुम्हारा कैसे कुछ बिगड़ पाता जहाँ पे तुमसे इतना प्यार करने वाला कोई है? सुनील, क्या ये सब बीत जाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मोना, और जिंदगी भर करता रहूंगा। मोना अनुज को हमेशा के लिए भुला के सुनील के साथ एक नई लाइफ शुरू की, और यहाँ पे दिया का भी पंकज के साथ एंगेजमेंट हो चुका था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ।